घर के बरामदे में खेल रहे बालक पर तेंदुए ने किया हमला। गंभीर रूप से घायल हुआ बालक। बालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल किया गया रेफर। कतन्याघाट वन्यजीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज का मामला। बहराइच जिले के मोतीपुर तहसील अंतर्गत कतन्याघाट वन्यजीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के अंतर्गत आने वाले हरैया गांव में राकेश वर्मा, जिनका 3 वर्षीय पुत्र शिवम घर के बरामदे में खेल रहा था कि अचानक शनिवार रात्रि 8 बजे जंगल किनारे से आए तेंदुए ने घर के बरामदे में खेल रहे बालक को दबोच लिया और गन्ने की खेत की तरफ लेकर भाग गया। बालक को ले जाते देख परिजनों ने हल्ला मचाना शुरू किया। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भी गन्ने की खेत की तरफ भागे। ग्रामीणों के शोर को सुनकर तेंदुआ बच्चे को छोड़कर भाग गया। वहीं बच्चे को उठाकर तत्काल उसके परिजन अस्पताल पहुंचे। क्या नाम है भैया आपका? नाम क्या है? बबलू। कहाँ रहते हैं? हरैया। बताइए क्या हुआ था? शेर ने मारा है घर से। अच्छा, बच्चे को मारा है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है शिवम। अच्छा, पिता का नाम? राकेश। राकेश, गांव का नाम क्या है आपके? हरैया। अच्छा, निशानगढ़ा रेंज लगता है। वन कर्मियों को सूचना दे दी है? हाँ, बता दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। बताइए क्या घटना हुई है आज आपके यहाँ? आज हमारे घर में तेंदुआ घुस आया था। हाँ। और घुस के बच्चे को टांग लिया और टांग के गन्ना में लेके चला गया है, तो सारे लोग हमारे पूरे गांव के घेर लिए हैं। तब वो तेंदुआ छोड़ के भागा, तब बच्चे को लेके हम लोग यहाँ पे आए। कहाँ का मामला है, गांव क्या है आपका? ये गांव का नाम हरैया है और ग्राम सभा रामपुरवा है। अच्छा, रेंज निशानगाड़ा लगती है? हाँ, रेंज निशानगाड़ा। अच्छा, तो बच्चे के कहाँ कहाँ चोट आई है? बच्चे के नदी में पूरा काट दिए हैं। क्या नाम है बच्चे का? गोलू। गोलू, गोलू यानी शिवम। गोलू शिवम। हाँ हाँ। अच्छा, पिता का नाम क्या है उसके? राकेश। राकेश है। हाँ। कितने वर्ष का बच्चा है? ये 3 वर्ष का है। अच्छा, तो उसको मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है? हाँ हाँ, वहाँ पर भेजा गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजोली से बालक को एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मोतीपुर में डॉक्टरों के द्वारा बालक की हालत गंभीर देखने के पश्चात बालक को तत्काल जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। तेंदुए के हमले में बालक के गले पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं जंगल से सटे क्षेत्रों में लगातार जंगली जानवरों का आतंक जारी है। हमले की सूचना पाकर इस दौरान मौके पर रामपुरवा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण पंजाब सिंह इंद्रजीत के साथ काफी संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान मौके पर वन कर्मियों को भी सूचना दी गई। मौके पर वन दरोगा इसरार समेत वन स्टाफ बंसी मौके पर पहुंचे। प्रभागीय वनाधिकारी आकाशदीप बधौन ने बताया कि वन स्टाफ को मौके पर भेजा गया है। वह बालक के साथ निशानगाड़ा रेंज स्टाफ बंसी भी मौके पर मौजूद है और एसडीओ भी पहुंचे हैं। वहीं आबादी क्षेत्रों में लगातार हो रहे तेंदुए के हमले से ग्रामीण काफी दहशत में हैं।